सलाम वालेकुम भाई। और ठीक ठाक, मैं ग्रैंडी का मीटर रिवर्स कर रहा था, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। चूँकि मेरे पास इसमें जो है जो 66 IC लगी होती है मच्छर वाली, जो मच्छर आईसी कहते हैं कि मच्छर कहते हैं के लिए इसको, जो नैनो या मैक्रो आईसी भी कहलाती है ईप्रोम। तो मेरे पास वो अडाप्टर नहीं था इसका, जो अपना अडाप्टर होता है तो इस जो बड़ा वाली ईप्रोम होता है जो करोला रेंडमली गाड़ियों में जो कामन आता है, उससे मैंने जम्पर वायर लगा के इस आईसी के साथ कनेक्शन करवाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको रीड राइट कर लिया है। हाँ अच्छा, तो मैं इसकी जो पिन है वो आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये प्रोम है इसकी उस तरफ वाली जो है ना, वो शायद देखने ना देखे, लेकिन ये जो डॉट लगा हुआ है ये यहाँ से एक शुरू होगा, फिर इसके नीचे 2, 3, फिर 4, फिर इसके सामने वाला 5 जो VDD के साथ है, फिर 6, 7, 8। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये जो जहाँ एक लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, छोटा सा आपको मेरे ख्याल में नहीं दिख रहा, मैं कोशिश करता हूँ, जो ये वाली है ये R72 साइड पर नीचे वाली जो इस चिप की लेग है, पिन है, वो 1 नंबर है, उसके ऊपर वाली 2 नंबर है, 3 नंबर है। तो उसकी 1 नंबर पिन मैंने इस कैपेसिटर के साथ लगा ली जो इसके नज़दीक वाले है, और जो 4 नंबर पिन है वो ऊपर वाले कैपेसिटर के साथ लग गया, डायोड के साथ सॉरी। और जो 5 नंबर है वो कैपेसिटर के एक साइड पर, और 8 नंबर कैपेसिटर के दूसरे साइड पर मैंने लगा कि उसको जो है ना यहाँ से रीड एंड राइट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑटो सर्च में जाके 83 CC, और ये 2 पिन, ये ब्लैक वाली 2 नंबर और ब्लू वाली 3 नंबर यहाँ पिन पर लगती है, इस साइड पर लगा के इसको मैंने रीड राइट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, रीड हो गए। फिट करने के बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने तकरीबन ये 4000 माइलेज रीड कर लिया है। ओके।